नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2018 बैच के सेकंड सेमेस्टर स्क्रूटनी के संदर्भ में आप लोग के लगातार कमेंट्स आ रहे थे। यदि आप भी स्क्रूटनी के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि दिनांक 22 फरवरी 2020 को एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड 2018 बैच के रिप्रेजेंटेटिव्स थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा तिथि के संदर्भ में पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित थे। वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा पीएनपी से सेकंड सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट के संदर्भ में भी चर्चा की गई थी और पीएनपी ने उनसे प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि अगले सप्ताह, जो कि दिनांक 24 फरवरी 2020 से प्रारंभ हो रहा है, अगले सप्ताह में सेकेंड सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट की घोषणा पीएनपी के द्वारा कर दी जाएगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पीएनपी ने सेकेंड सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट के संदर्भ में प्रतिबद्धता जाहिर की है। इसके पहले भी बहुत बार पीएनपी ने रिजल्ट घोषित करने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन अपने तय समय पर उनके द्वारा सेकेंड सेमेस्टर के स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, एक बार फिर से पीएनपी ने प्रतिबद्धता जाहिर की है कि 24 फरवरी 2020 से प्रारंभ होने वाले सप्ताह में सेकेंड सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। दोस्तों, मैं यहां पर बता दूं कि डीएलएड 2018 बैच के थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा तिथि के संदर्भ में पीएनपी द्वारा जो सूचना दी गई है उसके डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।